हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विवाह समारोह में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बनाए गए मंच पर एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वोट देने की अपील की गई। ये देखकर वहां आने वाले मेहमान भी अवाक रह गए। आमतौर पर शादियों में ऐसा होता है कि स्टेज के पीछे जो बैकड्रॉप बनता है उस पर सजावट होती है, ज्यादा से ज्यादा परिजन अपने बुजुर्गों के चित्र लगा देते हैं। लेकिन कल भाजपा पार्षद लता लड्डा ने कल अपने भतीजे की शादी में कुछ अलग ही कर दिखाया। गुणावत के इस लड्ढा परिवार में अभिषेक और श्रीकांत की शादी के उपलक्ष में कल स्कीम नंबर 71 के मैरिज गार्डन में एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। वहां पर मुख्य गेट के ठीक सामने एक होर्डिंग लगा था जिस पर मोदी के अलावा सुमित्रा महाजन और मालिनी लक्ष्मण सिंह गोड़ के फोटो लगे थे। उसके बाद अंदर जाने पर देखा कि स्टेज के पीछे जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है उस पर 3D के जरिए बार बार नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के आकर्षक फोटो के साथ ही नारे लिखे हैं, अब नामुमकिन कुछ नहीं, सब मुमकिन है। नरेंद्र मोदी को विकास के लिए वोट दीजिए, मिशन फॉर 2019। इस तरह के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में वहां आने वाले सभी मेहमानों को भाजपा को वोट देने की अपील की गई। ये देखकर वहां मौजूद लोगों में चर्चा थी कि लड्डा परिवार का ये अंदाज ही कुछ अलग था। समारोह में हजारों लोग मौजूद थे। अधिकांश लोग एलईडी पर दिखाए जा रहे मोदी के फोटो नारों की वीडियो बनाते हुए दिख रहे थे। इस बारे में परिवार के वरिष्ठ सदस्य कमल लड्डा का कहना था कि हमारी लोगों से अपील है कि वे भाजपा को जिताएं, ये हमारा अपना सोचना है, इसलिए हमने शादी समारोह में आए लोगों से अपील की है क्योंकि मोदी देश के विकास के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।